रेलवे सुरक्षा बल हटिया में कार्यरत महिला एएसआई के जज्बे को क्यों सलाम कर रहे हैं लोग? क्या जानकर महिला सब इंस्पेक्टर खुद को रोक नहीं पाई? ड्यूटी पर तैनात रहते स्टेशन से घर की ओर क्यों भागी? वापस स्टेशन पर पहुंचकर ऐसा क्या हुआ कि मन भावनाओं से भर उठा? झारखंड की गुमला निवासी आदिवासी महिला सब इंस्पेक्टर की क्यों हो रही है चर्चा? रांची रेल मंडल के हटिया स्टेशन पर पिछले कई दिनों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आवागमन हो रहा है। झारखंड के हजारों प्रवासी मजदूरों और छात्र छात्राओं को विशेष ट्रेन द्वारा झारखंड सरकार के सहयोग से लाया जा रहा है। चूंकि कोरोना संक्रमण का खतरा है, इसलिए एहतियातन हटिया स्टेशन पर रांची रेल मंडल द्वारा भी सतर्कता बरती जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल हटिया की भी जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। प्लेटफॉर्म से लेकर यार्ड तक और स्टेशन परिसर के बाहर तक दिन रात चौकसी बरती जा रही है। कोरोना के संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान रेलवे सुरक्षा बल हटिया द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों गरीबों असहायों को भोजन कराया गया। इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे यहाँ हमारे आरपीएफ पोस्ट हटिया के सभी ऑफिसर और जवान लॉकडाउन में शुरू से ही लोगों का सेवा भरपूर किए हैं। जहाँ जहाँ जरूरत हुआ है गांव-गांव में जाके हम लोग बांटे हैं, यहाँ भी खिलाए हैं। और हर कोई अगर डर के पीछे ही हट जाएगा तो फिर जो नीडी पर्सन है, जिनको ज़रूरत है, उनको कौन देखेगा? और हम लोग चूँकि शुरू से लगे हुए हैं, इतने सारे यहाँ श्रमिक स्पेशल ट्रेन लगभग 65 से ऊपर खाली करवा चुके हैं हम लोग। कई बार हम लोग लोगों का सहायता किए हैं इस तरह से। उनके इस कार्य की सभी ने सराहना की, लेकिन रविवार को हटिया स्टेशन पर जो कुछ हुआ उससे रेलवे सुरक्षा बल के अलावे पूरा रेल परिवार खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम बताने जा रहे हैं महिला सब इंस्पेक्टर के बारे में, जो झारखंड के गुमला जिला के कुम्हारी बसिया के पास लुंगडू पत्रा टोली की रहने वाली है। सब इंस्पेक्टर सुशीला बड़ाई आदिवासी परिवार में जन्मी, गांव घर में सीमित संसाधन के बीच पली बढ़ी, बचपन से ही तेज तर्रार थी। 1997 में उनका चयन रेलवे सुरक्षा बल में हुआ। गुमला के एक छोटे से गांव से निकलकर नौकरी ज्वाइन की, आज सब इंस्पेक्टर के एक जिम्मेदार पद पर हैं। 22 साल की नौकरी के दौरान कई सारी चुनौतियां सामने आती रही हैं, लेकिन तमाम चुनौतियों को अपने फर्ज को पूरी निष्ठा के साथ निभाती रही हैं। आम महिला से खास तभी बन गई थी जब उन्होंने खाकी वर्दी पहनी थी। फिलहाल रांची रेल मंडल के हटिया पोस्ट पे पदस्थापित हैं। अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा से सजग और अनुशासित रहती हैं। हटिया स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों के साथ कड़क पुलिस अफसर की तरह पेश आती हैं। वहीं जरूरतमंदों असहायों की हर संभव मदद भी करती हैं। व्यवहार कुशलता के कारण सबकी चहेती भी हैं। 14 जून रविवार को भी सब इंस्पेक्टर सुशीला बड़ाई की ड्यूटी हटिया स्टेशन पर थी। सुबह का लगभग 6 बजा होगा, उस वक्त बंगलोर से गोरखपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकी, चूंकि उस ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को नहीं उतरना था। स्टेशन पर तमाम खाने पीने के स्टॉल भी बंद पड़े हैं। कुछ लोगों को ही उस ट्रेन से उतरना था, इसलिए ट्रेन रुकी थी। सब इंस्पेक्टर सुशीला बड़ाई प्लेटफॉर्म पर गश्त लगा रही थी, तभी एक युवक भागते हुए उनके पास आया और कहने लगा कि उसकी बहन का 4 माह का बच्चा है, दूध की जरूरत है, बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है। यह सुनते ही सुशीला बड़ाई कोच संख्या 16 के पास पहुंची तो देखा कि बच्चा जोर जोर से रो रहा है। ये देखकर वो खुद को रोक नहीं सकी, भागकर स्टेशन से बाहर आई
और अपनी स्कूटी से घर पहुंची। तत्परता दिखाते हुए बोतल में दूध भरी और पहुंच गई स्टेशन। ट्रेन खुलने का डर था, लेकिन इच्छा शक्ति इतना प्रबल था कि मिनटों में स्टेशन से घर और घर से स्टेशन पहुंच गई। अपने सहकर्मियों के साथ कोच तक पहुंची और दूध की बोतल उस माँ को पकड़ाने में सफल हो गई। 6 बजे ट्रेन आई, मेरी ड्यूटी भी 6 बजे से लगी हुई थी। मैं अपना जैसे ड्यूटी दिया गया है उसमें सभी को उतरना नहीं था, अपना झारखंड स्टेट्स वालों को उतरना था। तो उस दौरान हमें उसका जो भाई था वो दरवाज़ा पर आके बोला कि 4 महीने का बच्चा है, उसको दूध की ज़रूरत है, रो रहा है। तो मैंने जाके देखा, बच्चा रो रहा था। उसके बाद देखे, टाइम भी बहुत ये हो गया था, वो पहले बताया नहीं था, इस वजह से मैं जाके फिर अपने, मैं तो पास नहीं रहती हूँ, अपना स्कूटी है वहीं से लेके आके दे दिए बच्चा को, उसकी माँ को दे दिए। महिला यात्री का नाम मेहरुनिशा, जो गांव जमनिया जिला मधुबनी की है, बंगलोर से स्पेशल ट्रेन द्वारा बरौनी जा रही थी। इसी बीच हटिया स्टेशन पर भूख से रो रही 4 माह की बच्ची को महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा दूध उपलब्ध करा दिया गया। सुबह का वक्त था, स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन के अलावे रेलवे सुरक्षा बल के जवान ही नजर आ रहे थे। सब इंस्पेक्टर की इस संवेदनशीलता, ममता भरी एक माँ की तरह तड़प देखकर स्पेशल ट्रेन में यात्रा कर रहे प्रवासी मजदूर भी भाव विभोर हो गए और उनके इस जज्बे को सभी ने सलाम किया। वहीं बच्ची की माँ ने शुक्रिया कहा। एक अनोखे एहसास, एक महिला पुलिस की मानवता और अपनत्व को समेटे भरी आंखों से हाथ हिलाती रही और ट्रेन धीरे धीरे सरकती हुई आंखों से ओझल हो गई। लेकिन 14 जून रविवार का दिन खास बन गया। रेलवे सुरक्षा बल हटिया की सब इंस्पेक्टर सुशीला बड़ाई के मानवता के कारण उनके द्वारा किया गया कार्य से रेलवे सुरक्षा बल हटिया भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी भी महिला सब इंस्पेक्टर की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये तो फर्ज है जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है। वो मैडम जो उस समय ड्यूटी में थे, उनका भी परिवार है, तो वो एक जानती हैं एक बच्चे का दर्द क्या होता है, एज ए महिला वो और अच्छे से जानती हैं। तो जब उनको पता चला कि ट्रेन में एक महिला है जिसका 4 महीने का बच्चा है और उसको दूध चाहिए, वो तुरंत यहीं बगल में अपने क्वार्टर में रहती हैं, वो अपने क्वार्टर में गई और वो जो घर के लिए दूध लेती हैं वो दूध गर्म करके लेके आई और बच्चे को दिए। चूँकि वो 4 महीने का बच्चा था और रो रहा था बहुत ज़्यादा, वो तो खुद वो देखी है, तो मानवता तो है ही। ये हम लोगों को भी लगता है कि नहीं, किसी का अगर हम सहायता कर सकें तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, ये अच्छा काम है। और अच्छे काम का करने से लोगों के मन में बहुत संतुष्टि मिलती है, कोई भी करे तो इस तरह के काम से लोगों के मन में, सबके मन में विचार आता है कि हमको भी मौका मिले, हमको भी मौका मिले। और हमारे यहाँ जो आरपीएफ हैं हमारे पोस्ट के, वो सब लोग हमेशा तत्पर रहते हैं किसी भी तरह का आपदा विपदा हो उसमें। कभी ये लोग कोरोना है तो उसके डर से पीछे नहीं हटते हैं, वो जो जरूरत है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। आरपीएफ पोस्ट के थाना प्रभारी ने ये भी कहा कि निश्चित ही उनके इस कार्य से गर्व महसूस हो रहा है। हर तरफ सब इंस्पेक्टर की चर्चा हो रही है, सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज में भी साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह दूध की बोतल लेकर कोच तक पहुंचती हैं और उस माँ को दूध की बोतल पकड़ाती हैं। ट्राइबल इंडिया टीवी से बात करते हुए सब इंस्पेक्टर सुशीला बड़ाइक ने कहा कि मैं भी एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों को भूख से रोते नहीं देख सकती। बहुत ही सहज भाव से कहते हैं कि ये मेरा फर्ज था, विशेष ऐसा कुछ नहीं की। पूछा उनको, उनको बरौनी जाना था और यहाँ पर जो फूड सप्लाई हो रहा था उसमें केला ब्रेड हो रहा था, अगर हम ये व्यवस्था नहीं करते तो बच्चा उतना दूर कैसे जाएगा, मुझे ये लगा और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं तो एक माँ हूँ ना, अपना बच्चा का दर्द समझती हूँ। मेरा कहना है पुलिस लोग इतने नहीं होते हैं जितना मीडिया वाले हाईलाइट कर देते हैं, उनके ऊपर भी मानवता है, वो लोग भी मानवता है, लेकिन उसको उजागर ज़्यादा नहीं हो पाता है, इस वजह से बुरा चीज़ आगे निकल जाता है।
बात यही है, नहीं तो मानवता सभी के ऊपर है, पुलिस वाले के ऊपर भी वर्दी पहनने में से तो ऐसा नहीं है कि मानवता चली गई। आपने जब उनको दूध दिया तो वो दूध की बोतलें भी आपने उपलब्ध कराई, और उसके बाद उनके परिवार के लोगों में उस माँ के द्वारा क्या कुछ कहा गया? थैंक यू बोला, बहुत बहुत थैंक यू बोला। बोगी वाले सभी लोग देखे बाहर आके, मैंने गेट बाहर उतरने नहीं दिया जा रहा था, गेट के अंदर ही बोले थैंक यू। कब इस सेवा में आप आई? 22 साल हो गया, 1997 में। तो ये 22 साल में कुछ ऐसा आज एक सुकून भरा पल आपको मिला? जरूर जरूर मिला। वाकई एक माँ की ममता और उसकी तड़प खाकी के अंदर से भी झलक पड़ी। ट्राइबल इंडिया टीवी भी इस महिला सब इंस्पेक्टर के जज्बे को सलाम करता है। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए मनोज शरण। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।